हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम हिस्ट्री MHI 010 का लेसन 8 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे हड़प्पा के नगरी समाज के बारे में। इस चैप्टर के अंदर में टोटल चार टॉपिक आते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा सामाजिक विभेद सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा निर्वैज्ञानिक परिदृश्य को लेकर, जहाँ पे हम बात करेंगे कि मानव विज्ञान का क्या विचारधारा है, क्या अवधारणा है हड़प्पा के नगरी समाज को लेकर। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा समाधान प्रथाओं को लेकर, जो शव दफनाए जाते थे उनका क्या रिचुअल था, किस तरीके से दफनाया जाता था, अलग अलग वर्गों में किस तरीके से होता था, इसके बारे में हम बात करेंगे हड़प्पा के नगरी समाज के अंदर में। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा जातिता के विचारों को लेकर, जो भी इतिहासकार हैं, जो भी विद्वान हैं, पुरातत्ववेदा हैं, उत्खनन करता है, उनका क्या मानना था, किस तरह से जातिता व्यवस्था थी हड़प्पा समाज के अंदर में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में एक ना एक टॉपिक पूछा भी जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है सामाजिक विभेद का स्थलों के रूप में घरों के बारे में, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउस को हम कहते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, घर के जो आकार थे, किस प्रकार का आकार है घर का, निर्माण का पैटर्न क्या है, घर की संरचना किस प्रकार की, उसकी अवस्थिति किस प्रकार का है, उसके आधार पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पता लगाना, ठीक है। अब देखो, अगर घर का आकार बड़ा है तो हमने बोला भैया लगता है पैसा वाला आदमी होगा तभी तो इतना बड़ा जमीन खरीदा। घर का निर्माण करने का तरीका, मान लो उसने बहुत अच्छे टाइल्स लगा रखे हैं, मार्बल्स लगा रखे हैं, ठीक है, बहुत कीमती कीमती मार्बल लगा रखे हैं, और जो गरीब होगा क्या किया होगा, नॉर्मल ऐसे कर दिया होगा, उसने प्लस्तर भी नहीं किया होगा, ऐसे ही पड़ा होगा। घर की संरचना, अगर मान लो रूम बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है, बड़े बड़े रूम में हॉल्स बना रखे हैं, अब मेरा घर आओगे वहां पे दो रूम है, बैठने की जगह नहीं है प्रॉपर, तो भैया गरीब आदमी है। पर अगर किसी के घर गए वहां पे बहुत बड़ा रूम है, एकदम हॉल वॉल बना रखा है अच्छा सा, बोलेंगे पैसा बहुत है बंदे के पास, ये बोलते हैं, ठीक है। उसकी स्थिति किस प्रकार की, घर में गए अब मान लो दरारें पड़ी हुई है, पूरा एकदम ना झर रहा है, बैठे हो पूरा गिर रहा है, ऊपर से खाने के अंदर में प्लस्तर गिर रहा है, गिर रहा है, तो आप बोलोगे यार रखने में मतलब घर कब गिर जाए ना, डर लगेगा, सदर बाजार में पहुंच जाओ आपको इसी तरह की फीलिंग आने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। पर वहीं पे किसी के घर में जाते हैं लगता है पूरा एकदम टाइल मार्बल से लगा हुआ एकदम, वो तो हम क्या बोलते हैं उसका, भाई स्टैंडर्ड अलग है, बंदा पैसा वाला है बहुत कमा रहा है, ये बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक विभेद का पता लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि भैया ये अमीर है ये गरीब है, घर के आकार को लेकर, उसके निर्माण के पैटर्न को लेकर, संरचनाओं को लेकर, उसकी अवस्थिति को लेकर हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब देखो, हड़प्पा समाज के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि जो भी स्रोत होते हैं ना, जिसके थ्रू हमें चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हड़प्पा के अंदर में कहीं पे भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत के अंदर में रिटर्न स्रोत जो भी होते हैं ना, कि इस राइटर ने ये लिखा, वहां पे ये ग्रंथ मिले, इस वहां के इस समय के राजा के द्वारा ये बोला गया, इस तरह का हमारा कोई जानकारी का स्रोत नहीं है। प्रमुख तौर पे जो हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत है वो उत्खननकर्ताओं के द्वारा निकाला गया। उत्खननकर्ता क्या होता है, जो खोद कर निकालते हैं, जमीन में से खुदाई करी गई, इसके बाद ये निकला वो निकला, ये सारी चीजें होती है। तो उसके थ्रू ही हम अंदाजा लगाते हैं कि जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले ना, जमीन के अंदर में मृतभांड मिला, इमारतें मिली, ईंट मिला, पत्थर मिला, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाते हैं। तो एक तरह से अनुमान लगा रहे। अगर अनुमान लगाने का मतलब यह है कि खुदाई किया गया, तो खुदाई में अगर बड़ा घर का वो मिला स्ट्रक्चर किया, और बड़ा घर है, बड़े सारे रूम है, अब रूम था या लैट्रिन था या बाथरूम था क्या था हमें नहीं पता, पर उसके अनुसार हम एक अंदाजा लगा रहे कि या इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये चीजें होंगी और ये चीजें रही होंगी इसके अंदर में, ये हम एक अंदाजा लगाकर चलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। द ई नब, जहाँ पे आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलने वाली है टाइम से, और पीछे की बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी करवा रखा है, तो नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखें, जिसको देखने के बाद आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगा और अच्छे नंबर ला सकते हो आप उसको। नव इन्फो, जहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारा टाइम से आपको अपडेट मिलेगा, टाइम टू टाइम अपडेट जो भी इग्नू का आएगा वो मिलता जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको एमए हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, इस वीडियो के जो पीडीएफ आप देख रहे हो उसके नोट्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हो या फिर क्वेरा पे जा सकते हो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। दोनों जगह पे हम नोट्स को टाइमली अपडेट करते रहते हैं, और यहाँ से जो भी लेसन स्टार्ट हो रहे हैं ना, पीछे कुछ टाइम से हुए, उनके ही नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, फटाफट कर दीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भैया देखो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ घर के बेसिस पे, उसके प्लेस के बेसिस पे, उसके आकार के बेसिस पे, उसके निर्माण के पैटर्न के बेसिस पे हमने सामाजिक भेद का पता लगाया, ठीक है। अब बड़े आकार के घर का मतलब क्या होता था कि घर की जो संपत्ति है सामाजिक हैसियत का सूचक होता था, मतलब समाज के अंदर में इसका रेपुटेशन है बंदे का, ये हम मान के चलते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता जो MS वत्स का मानना है कि अन्य घरों के विपरीत
कतिपय जो कच्ची झोपड़ियां होती थी ना, वो मजदूरों का घर कहा जाता था। अगर घर बड़ा है, अच्छा है, हमने बोला भैया सामाजिक हैसियत है इसका, समाज के अंदर में कुछ रेपो है इसका, और वहीं पर झोपड़ी है, तो हमने क्या बोला, मजदूर का घर है। ठीक है, दूसरे तल वाला जो घर होता था ना, 2 मंजिल वाला घर है, ठीक है, 2 मंजिल वाले घर होते थे, नालीयुक्त तो सुविधाएं, नाली निकलने की, पानी निकलने की सुविधाएं हैं, अच्छे फर्श वाला घर है, स्नानागार है उसके अंदर में, एकदम नहाने की प्रॉपर जगह है, कुएं की मौजूदगी है, कुआं भी है घर के अंदर में, तो हम उसे बोलते थे सामाजिक हैसियत का सूचक है, समाज के अंदर में इसकी कुछ रेपुटेशन रही होगी, अमीर घर का होगा, पैसा होगा, तो ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, मिशेल जॉनसन और जर्मनी के पुरातत्वविदों का मानना था कि मोहनजोदड़ो के जो साक्ष्य के आधार पे कमरों को जो 3 श्रेणियों के अंदर में विभाजित किया गया, मोहनजोदड़ो के अंदर में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उसको प्रमाण मिला, उसके आधार पर जो कमरे होते थे उसको 3 पार्ट में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से श्रेणी होते थे? तो पहला श्रेणी होता था प्रवेश कमरा, ठीक है, जिसके एंट्री रूम जिसको हम कहते हैं प्रवेश कमरा, परागण कमरा, और दूसरा होता था अंतिम कमरा। 3 तरह से बांटा गया, पहला प्रवेश, दूसरा परागण, और तीसरा अंतिम। ठीक है, जिसमें प्रवेश कमरे का मतलब क्या होता है कि प्रवेश कमरे में व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, जहां से हम एंट्री करते हैं घर के अंदर में, जो मेन गेट होता है उसको हम प्रवेश कमरा बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर परागण कमरा, जो एक से अधिक दरवाजे होते थे, जिस कमरे के अंदर में एक से अधिक दरवाजे होते थे, इधर भी दरवाजा, एक से अधिक दरवाजे होते थे, इसे हम परागण कमरा बोलते हैं। तीसरा कमरा यहाँ पे होता था जो इनमें एक कमरे, ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता था। अब एक ही कमरा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कमरा है ऐसे करके, और दोनों जैसे सटे हुए हैं, ये है ना, इन गेट है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता था, तो इसको हम कहते हैं अंतिम कमरा, या फिर ना अंतिम कमरे के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये परागण कमरा, सॉरी, यहाँ पे परागण कमरा होता है ना, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है, जिसमें एक से अधिक दरवाजे होते हैं। अंतिम कमरे का अगर देखोगे ना, तो एक तरह से निजी कमरे होते थे, जिसके अंदर में अंतिम कमरे में के अंदर में एक दरवाजा होता था, या फिर वो स्नानागार हो सकता है, बाथरूम वाथरूम, जिसके अंदर में सिंगल रूम होता था, अंतिम कमरा जो एकदम लास्ट में बनाया जाता था, ठीक है, अंतिम कमरे के तौर पर जाना जाता है। आज भी अगर किसी आप होटल में जाओगे, अगर अच्छे घर में नहीं, अच्छे घर में हो, जैसे हमारे घर का ही, अगर मैं अपने घर का बताऊँ, तो मेरे घर का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मेन रूम हो गया, ठीक है, उसके एक गेट है, और उसके बाद जो जुड़ रहा है उससे रूम जुड़ रहा है, जो हमारा अटैच बाथरूम, उसके अंदर में सिंगल गेट है। अब एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे थे, परागण कमरा, एक से दूसरे तीसरे ऐसे करके हम एंटर कर सकते, घूम सकते, तो परागण कमरा हुआ। और लास्ट में जो हमने बना रखा है वॉशरूम बना रखा है, तो किस तरह से उसका यूज कर रहे, क्या चीज है, तो अंतिम लास्ट में ना, तो अंतिम दरवाजा, जिसमें एक ही दरवाजा होता है, अंतिम रूम के तौर पर देखा जाता है, और उसमें एक ही दरवाजा, सिंगल दरवाजा होता है, या फिर वो स्नानागार के तौर पे माना गया, या भंडार घर, स्टोर रूम के तौर पे देखा गया, या व्यक्तिगत कमरा, कोई पर्सनल रूम है ऐसी बनाकर रखा हुआ है, गेस्ट रूम बनाकर रखा हुआ है, तो इस तरीके से उसको माना गया। केंद्र में बड़े क्षेत्र का लगभग आंगन होता था, बीच में ना जैसे घर होते थे ना, जो भी घर बनाए जाते थे, इस तरह का घर होता था। अब भी अपने गाँव का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो कुछ आपको इस तरह का दिखते थे, ये मेन गेट हो गया यहाँ से घुसने के लिए, इधर रूम हो गए सारे छोटे छोटे, इधर रूम हो गए, इधर ऐसे ऐसे करके हो गया, और इधर से ना आपका मेन गेट है, तो ये बीच में जो स्पेस होता था ना, ये आंगन का होता था, और ये बड़े क्षेत्र का होता था, क्षेत्रफल इसका बड़ा होता था, जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती थी, इधर चारों तरफ तो छत होती थी, पर इसके अंदर बीच में कोई छत नहीं होती थी, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता था। आंगन जो होता था, संभवतः अधिकांश कार्यकलाप किए जाते थे, जो आंगन के अंदर में ज्यादातर कार्य किए जाते थे, अभी कोई पूजा पाठ हो गया गाँव के अंदर में, या बाकी चीजें हो गई, तो आंगन देखने के लिए मिलता था, उसके अंदर में पूजा पाठ होता था। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली के अंदर में तो आंगन देखे हुए जमाना बीत गया, यहाँ पे आंगन जैसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, मेरा छोटा सा घर, उसमें आंगन कहाँ, ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। तो गांव के अंदर में जो घर बच्चे ने गांव से बिलोंग करता है, गांव देखा है, उसको पता होगा कि आंगन किस प्रकार से होता था, ठीक है। अधिकांश कार्य जो होती थी महिलाएं करती थी, परंतु ये नहीं माना जाता कि महिलाएं जो होती थी आंगन के अंदर में विशेष प्रयोजन के लिए कार्य किया करती थी, महिलाओं का आंगन में भी प्रवेश उतना ज्यादा नहीं रहता था, ठीक है, इस तरीके से देखने के लिए मिलता था। हड़प्पा के घरों की पूर्णता दिखाई होती है, जो हड़प्पा के अंदर में जो घरों के स्ट्रक्चर मिले वो कंप्लीट दिखते हैं, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट दिख रहे हैं। आप आगरा में ताजमहल देखने जाओगे तो ताजमहल के सामने में इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ताजमहल का देखने के लिए मिलता है, तो उस तरह से इनकम्प्लीट कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता। हड़प्पा के अंदर में घर के अंदर में लोग रहा करते थे, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मिलता है, और जो भी पुरातत्ववेदा थे उनका मानना था कंप्लीट स्ट्रक्चर था घरों का जो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में पूरी व्यवस्था हो, चाहे बलैटिंग हो, बाथरूम हो, रूम हो, ठीक है, कुएं की व्यवस्था, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। विद्वानों ने कमरे के नक्शे से हड़प्पा के निवासियों के निजी व्यक्तिगत स्थानों की अवधारणा का व्याख्या करने का प्रयास किया, कि किस तरीके से लोग रहते थे, उनका स्टैंडर्ड क्या था, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। पानी के लिए कुएं का प्रयोग किया जाता था, सार्वजनिक भी हो सकता था, क्या पता कुआं सार्वजनिक हो, क्या पता पर्सनल हो, ये चीजें भी यहाँ पे देखा गया। घरों का पक्का स्नान घर हुआ करता था, शौचालय और नालियां सार्वजनिक रूप से नालियों से जुड़ी होती थी, घर से जो निकलने वाली नालियां होती थी
वो मेन नालियों से जुड़ी रहती थी। घरों के अंदर मिलने वाला जो सामान होता था सामाजिक अंतरों को उजागर करता था। अब जो भी घर के अंदर में से सामान मिला, अगर मान लो बहुत बड़े बड़े मनके मिल रहे हैं, एक मृत भांड मिल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बर्तन मिल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में मृत भांड मिल रहे हैं, तो बोलेंगे यार सामाजिक अंतर का, कि समाज के अंदर में क्या विभेद है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार का है लोगों के अंदर में, ये हम इसके बारे में पता लगाएंगे। अगर आपके घर में गया, आपके घर में मान लो सारे पित्तल के बर्तन है, चांदी के बर्तन में आप मुझे खाना खिला रहे हो, तो हम अंदाजा लगाएंगे ना भैया कि आप बहुत अमीर हो, आप मेरे घर में आए टूटे फूटे बर्तन में दे रहे, डिनर सेट नहीं है हमारे घर में, तो उसके हिसाब से क्या पता चलेगा भैया ये गरीब बंदा, इसके पास पैसा वैसा नहीं है, डिनर सेट भी नहीं है किसके पास। तो इस तरीके से हम सोशल जो अंतर होता है ना, सामाजिक अंतर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसका हम अंदाजा यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं निर्विज्ञानिक परिदृश्य के बारे में, जहाँ पे जो मानव विज्ञान होता है उसका किस आधार पे, किस तरीके से वो बताता है चीजों को लेकर, और हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर में क्या मानना था उसका, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। निर्विज्ञानिक परिदृश्य के अंदर में ये प्रमाणित किया जाता है कि बहुमूल्य वस्तुएं, जो भी कीमती वस्तु थे, जब व्यक्ति विशेष के हाथ में आती है, किसी व्यक्ति के हाथ में आती है, तो उसका उपयोग जो है निर्वाह की वस्तु से विनिमय से नहीं किया जा सकता। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था, जब उन्होंने ह्यूमंस को स्टडी कर रहे थे, मानव विज्ञान को स्टडी कर रहे थे, और स्पेशली मानव विज्ञान मतलब नहीं कि मानव का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में नहीं, मानव के बिहेवियर को कि क्या कैसे रहा, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम बात करें तो जैसे हड़प्पा सभ्यता को स्टडी किया, तो हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले मानव भी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये मान के चला कि जो भी उन्हें वस्तु मिले, अगर कोई वस्तु है जो बहुत कीमती लग रहा है, मूल्यवान लग रहा है, बहुमूल्य लग रहा है, तो उन्होंने ये माना कि बहुमूल्य वस्तुओं का ना ऐसा नहीं होता होगा जो उन्होंने डेली उपयोग करते होंगे ना। अब ऐसा है नहीं कि नोट छप रहा था भाई RBI वहाँ पे पैसा छाप रहा था, क्रेडिट कार्ड था पेटीएम वहाँ पे UPI पेमेंट करने के लिए दे रहा था, कैशलेस पेमेंट चला रहे थे मोदी जी, ऐसा तो कुछ था नहीं उस समय पे। तो वहाँ पे नॉर्मली पेमेंट कैसे किया जाता होगा, किसी भी चीज के बदले में कोई चीज कैसे किया जाता होगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था विनिमय। ये हम अंदाजा लगाते हैं, मांग के चलते विनिमय क्या था कि वस्तु के बदले में वस्तु देना, आपको आटे की जरूरत थी आपने बदले में चावल दे दिया, आटा ले लिया, तो इस तरह से जो एक्सचेंज सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसकी मदद से हम लेन देन करते थे। तो यहाँ पे जो निर्वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, जो उनका ये मानना था जब उनको स्टडी करते हैं मानव को, तो उनका ये मानना है कि बहुमूल्य वस्तुओं का जो भी होता था ना, जब किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में आती थी, तो उसका उपयोग निर्वाह की वस्तुओं से नहीं देते थे, जो डेली यूज कर रहे हैं ना, डेली निर्वाह की जो चीजें हैं, ऐसा नहीं होता था उससे उन्होंने पे करते हैं, इस तरीके की चीजें नहीं मानी जाती थी, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, समझ में आता है। वस्तुओं का उत्पादन केंद्रों में पाए जाने का संदर्भ, जो उत्पादन केंद्र कहाँ पे वस्तु को पैदा किया गया और किस जगह पे मिला है, वो सीमित मात्रा में होते थे। ठीक है, जैसे मान लो उत्पादन केंद्र और इसके पाने का स्थान, संदर्भ सीमित होता था। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ पर बना और इधर गया, अब मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो लेनोवो का है, चाइना का कंपनी है, ठीक है, जो मैं टैब यूज कर रहा हूँ वो चाइना की कंपनी है, अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ चाइना की कंपनी यूज कर रहा हूँ, तो मतलब इस तरह से इतना विस्तृत आकार नहीं होता था क्षेत्र का। तो ये मान के चलते कि उत्पादन केंद्र और पाने का स्थान जहां से उस वस्तु प्राप्त हुई है, वो स्थान सीमित होता था, लिमिटेड होता था, उसका एरिया सीमित होता था, ये मानकर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है आपका, तो एक पुरातत्वविदा के सामने में अन्य प्रकार की समस्याएं भी होती थी, जैसे नष्ट होने वाली सामग्री से बनी वस्तुओं के व्यवहार का पता लगाना। अब मान लो टूटा हुआ उनको कुछ मिला, अब उसके हिसाब से हमें अंदाजा लगाना है और हमें पढ़ना है, ठीक है, अंदाजा लगाना है कि टूटे हुए वस्तु का ये चीज होता था, ये उपयोग होता था। कल मैं फेसबुक पर ऐसी जस्ट रील देख रहा था, तो एक मुझे ऐसी एक एडल्ट कंटेंट मिला, उसके अंदर में क्या था कि एक खिलौना आता है एक और लेडी के पास में, ठीक है, पार्सल के थ्रू, अब उसको पार्सल को खोलती है, पार्सल खुलने के बाद, ठीक है, अब उसको देखती है तो अपनी बहू से पूछती है कि क्या चीज़ है, ठीक है, तो अपना उसी तरीके से सेम जिस तरह से उस सास की स्थिति थी ना कि वो क्या चीज़ है, और वो बहू प्रिडिक्ट करके बताती कि सास ये चीज़ ऐसे है, ये इसको तो मसाला कूटने वाला, ऐसा करके उसमें बोलती है, ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो ये बोलती है। तो सेम जो हमारे पुरातत्वविदा थे उसका यहाँ पे इस तरह की चीजें थी, उनको कोई चीज मिला, ठीक है, कोई भी टुकड़ा मिला, जैसे वो वस्तु होते पूरी थी नहीं, नष्ट हुई गई सामग्री थी, ठीक है, तो अब नष्ट हो चुकी थी, तो उनका एक टुकड़ा मिला, उनका एक अंश मिला, उसके आधार पर अब उनको अंदाजा लगाना है कि ये क्या चीज है, और उसको हम पढ़ रहे हैं कि ये चीज ऐसी थी। अब रियलिटी में वो चीज ऐसी थी या नहीं थी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये इस तरह की समस्याएं पुरातत्वविदाओं के सामने में आती हैं। अब मान लो कोई चीज थी, उसका टुकड़ा मिला, ठीक है, अब ये बोलते हैं कि यार ये टुकड़ा जो होगा ना, ये उनके ना घर के अंदर में ढक्कन का काम करता होगा, क्या पता वो ढक्कन का काम ना करता हो, उसका तकिया हो, कुछ और हो, वर्सो एवर, ठीक है, कुर्सी हो, कुछ भी हो, किसी और चीज का अंश हो, तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि पुरातात्विक दृष्टि से वस्त्र सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं होते थे, जो भी वस्त्र क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, आज के समय में जींस पहन रहे, रेशम के कपड़े पहन रहे, कुछ अलग अलग तरह के कपड़े बहुत सारे हैं,
और उस टाइम पे किस तरह के कपड़े थे उसका हमें सुरक्षित प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि वस्त्र लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे, जिसके कारण से जो पुरातत्व विद्वान है वो प्राचीन लेन देन में इसकी भूमिका को सुरक्षित करने में बाधा उत्पन्न होती है, कि किस तरीके से आपसी लेन देन की जाती थी उसके बारे में उनको आइडिया नहीं मिलता है। वहीं पे एस आर बिस्ट करके एक इतिहासकार है, उनका मानना था कि बनावली में एक व्यापारी घर के घर और एक आभूषण विक्रेता का घर की पहचान प्राप्त शिल्पकृतियों के आधार पर की जाती है। एक मतलब जो ये एस आर बिस्ट थे उनका मानना था कि बनावली जो क्षेत्र है जहाँ पे हड़प्पा के साक्ष्य प्रमाण मिले उसके अंदर में एक व्यापारी घर का प्रमाण मिला, जिसके अंदर में एक घर मिला जो आभूषण विक्रेता के हैं जिसने आभूषण को बेचा, और एक ऐसा घर मिला जिसके अंदर में जो आभूषण को खरीदा किस जगह पे खरीदा गया कैसे गया, तो सेम जगह मान लो एक ऐसा जहाँ पे ज्यादा स्टॉक में एक आभूषण मिल रहा है जो पूरा भरा हुआ है स्टॉक से, जहाँ पे उसी तरीके का सेम स्टॉक का आभूषण मिल रहा है, ये चीज ऐसे से है इस डिजाइन के आभूषण है, और सेम डिजाइन का आभूषण कोई दूसरा व्यक्ति के घर में मिल रहा है, तो ये माने जाएगा ना कि भैया ये वाला जो बंदा है ना इसी जगह से लेकर आया हुआ, इसी जगह से खरीदा हुआ, या ये वाला बंदा ना इस जगह से खरीदा हुआ, इस तरीके से आप मानकर चलोगे, तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, परंतु साधारण निवासियों के ये जो आवास थे वहां पे बहुमूल्य शिल्पकृतियां मिलती हैं, साधारण निवासियों के आवास में भी बहुमूल्य शिल्पकृतियां मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो अमीर वर्गों के घर में ही मिलेंगी। इस प्रकार से संप्रभात वस्तुओं में पाए जाने वाले जो स्थल होते थे कथित तौर पर संप्रभात क्षेत्रों के अंदर में कोई संबंध नहीं दिखता। ठीक है, जो भी चीजें मिल रही घर के अंदर में ऐसा नहीं है कि रियलिटी में वो चीजें पर्सन हो, आज के समय में मान लो सोना चांदी है, अमीर भी पहनते हैं गरीब भी पहनते हैं, ये चीज हो सकता है कि अमीर जो पहन रहा है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा भारी होगा, पर जो गरीब पहन रहा है वो कम भारी होगा, हल्का होगा, पर ऐसा नहीं कि अमीर हल्का नहीं पहनते, अमीर भी पहनते हैं। तो अब उसके आधार पर अगर आप पता लगाओगे ना कि अमीर था गरीब था तो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जिसके कारण से यहाँ पे घरों के आधार पर स्थल के आधार पर यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की गई थी, बांटने की कोशिश की गई थी, समझने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से चीजें थी। और यहाँ पे ह्यूमन को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर हर चीज को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी व्यवस्था रही हुई। इस प्रकार के बहुमूल्य जो वस्तुओं के संबंध के अंदर में नगरीय केंद्रों से नहीं है, विशेष प्रयोजन की जो वस्तु होती थी वो छोटे केंद्रों में भी पाई जाती थी। ऐसा नहीं होता था जो बड़े केंद्र ना बड़े तौर पे जो बने हुए वस्तुएं हैं बड़े केंद्रों के अंदर में जो मिलती हैं वो नगरी केंद्र को उजागर करते, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे जगहों पे भी बहुमूल्य चीजें भी मिलती थी, इसका भी यहाँ पे माना जाता है। अब अगर हम बात करें सवधान के प्रथाओं के बारे में, सबों को दफनाने को लेकर क्या प्रथाएं थी इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर में जो लोग थे मिस्र के मेसोपोटामिया के जो समान सवधान के अंदर में जो कब्र के अंदर में जो वस्तुओं को दफनाया जाता था उसके माध्यम से सामाजिक असमानता नहीं दिखाई देती है। ठीक है, मिस्र के अंदर में मेसोपोटामिया के अंदर में हड़प्पा के जो संस्कृति के अंदर में लोग थे वो समान शब्दों मतलब वस्तुओं को जिस तरह से डाला जाता था वो एक तरह से सामाजिक असमानता नहीं दिखती है, सेम ही सिमिलरिटी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मिस्र के अंदर में मेसोपोटामिया के अंदर में भी जो शबों को दफनाया जाता था तो उसके अंदर में शबों के साथ में कुछ चीजें रखी जाती थी और सेम ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, थोड़ा बहुत चेंजेस है क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो अधिकांश शब गड्ढों के अंदर में लंबवत रखे गए थे, जो सब होते थे लंबवत रखे जाते थे, सिर के पास में मृत भांड रखे जाते थे, और इसलिए कब्र का जो गड्ढा होता था सिर के पास चौड़ा होता था, जो सर का किनारा होता था ना वहां पे मृत भांड रखा जाता था, बर्तन रखे जाते थे। हड़प्पा में कब्र के अंदर में मृत भांड की संख्या में 240 तक होता था। ठीक है, औसतन 15 से 20 भी देखा जाता था। जहां पे मृत भांड की संख्या की बात करें जैसे मान लो ऐसे कोई सब को दफनाया गया था जो इधर हेड वाला हिस्सा ना इसके बगल में आप पे मृत भांड रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। मार्टिन विलर का मानना था खुदाई में महिलाओं के ताबूत मिले हैं, कब्र में उसके आभूषण मिले हैं, उसके अनुसार कब्र जो है मेसोपोटामिया में भी मिली है। इसी की तरह से ना जो कब्र है सेम एज इट इज, इसके उनके अनुसार इस प्रकार के जो कब्र है ना मेसोपोटामिया के अंदर में भी देखने के लिए मिल जाता है। जोनाथन केनायर के द्वारा माना जाता है कि महिलाओं के जो शवों के साथ में कांसे के दर्पण और शंखाकार पत्थर मिले, जो शंखाकार कपड़े पत्थर होते थे कांसे के दर्पण होते थे उसका यहाँ पे महिलाओं के शवों के साथ में मिलने के देखने के लिए मिल जाता है। रीटा राइट के अनुसार में अगर आप बात करोगे तो मृत भांडा की जो मृत भांड की जो आकृति होती थी एक रूपता और अलंकृत मेफिट नामक मानक के द्वारा ज्ञात होती थी। ठीक है, एक प्रकार का स्ट्रेटेजी होता है कि किस तरह से क्या चीजें हैं, और जो मृत भांड होता था ना उसके ऊपर में एक तरह से डिजाइन किया जाता था। मेफिक मतलब क्या होता है, मेटिक मतलब क्या होता है, डिजाइन होती है। ठीक है, इस तरह से डिजाइन होता था, और जो मेसोपोटामिया अनेक कब्रों में भी सेम प्रकार के डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। मैं यहाँ पर सिंपल एक लाइन में बोलूँ तो
रीटा राइट के अनुसार में ये किया गया, जब वो स्टडी कर रहे थे मृत भांडों को स्टडी कर रहे थे, जो भी शब्द आते उनको स्टडी कर रहे थे, तो शब्द के अंदर में जो मृत भांड मिले, तो मृत भांड के जो स्ट्रक्चर होता था उसके ऊपर में जो एक रूपता अलंकृत मतलब क्या होता है, जो उसका स्ट्रक्चर जो सजावट है बनावट है जिस तरह के ऊपर में उसके ऊपर डिजाइन की गई है, मेफिट एक तरह का चैन होता है, चैन पद्धति, ठीक है, इस तरह का जो मेफिट होता है ना उसको चैन बोलते हैं। तो मेटिफ का जो मानक ज्ञात होता है कि किस तरीके से उसका डिजाइन था, सेम अनेक कब्रों के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो जिसके बेसिस में हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी मृत भांड होंगे ना वो एक ही कुम्हार के द्वारा बनाए होंगे, एक ही डिजाइनर होगा उसका, उसके द्वारा बनाया गया होगा, ये मानकर चला जाता है। कालीबंगा के तीन प्रकार के सवधान मिले हैं जिसमें एक ही समय में प्रचलन में थे, एक ही तरह के तीन सवधान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। वहां समाधान समूह में भी मिले हैं, ऐसा नहीं होता था सिंगल समाधान मिल रहा, वहां पे समूहों के अंदर में भी सवधान जो सबके रखने की जगह होती थी वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कब्र की जो वस्तुएं थी मित्र भांड सीपी चूड़ियां और मन के और तांबे के दर्पण भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, कब्र के अंदर वाली जो वस्तुएं होती थी। व्यक्तिगत समाधानों के अंदर में पात्रों में प्राप्त संख्या, पात्रों की प्राप्त संख्या विभिन्नता ही थी, जो व्यक्तिगत होता था ना समाधान जिसके अंदर में सिंगल व्यक्ति को दफना जाता था उसमें मिलने वाले मृत भांड की संख्या अलग अलग होती थी, सिमिलर नहीं रहती थी। पॉल रिसमेन का यहाँ पे मानना था कि समाधान के अंदर में निजी मूल्य की सार्वजनिक प्रदर्शन के तत्वों के आधार पर भेद प्रकट किया जाता है कि किस तरह का क्या मूल्य है, किस प्रकार का प्रदर्शन है, अलग अलग तरह का ना उसके हिसाब से भी हम सामाजिक भेद का पता लगाते हैं। अगर बहुत सारे बर्तन है या चीजें हैं उस प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं हैं तो हम उसके अंदर में आर्थिक तौर पर संपन्न वर्ग का मानते हैं कि अच्छे वर्ग से बिलोंग करता होगा, जिसके कारण से इतनी सारी चीजें इसके साथ में दफनाई गई है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में एक दो बर्तन है, नॉर्मल टूटे फूटे बर्तन है, उस तरह के बर्तन नहीं है, बर्तन के बनावट उस प्रकार की नहीं है, हम ये मानकर चलते हैं कि शायद ये उतना अच्छे वर्ग से बिलोंग नहीं करता होगा। हड़प्पा के जो समाधान थे उसके अंदर में संपत्ति नहीं मिली है, तो वहीं पर अगर आप मेसोपोटामिया बाकी जगहों की बात करोगे तो उनमें संपत्तियां भी रखी जाती थी, पर हड़प्पा के समाधानों के अंदर में संपत्ति के साक्ष्य में नहीं मिलते हैं। रिसमेन का यहाँ पे मानना था कि संपत्ति एक ऐसी श्रेणी के अंदर में संप्रभात वर्गों का एकाधिकार करने का साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसके कारण से ये बोल सकते हैं कि जो संपत्ति के ऊपर में एकाधिकार नहीं था कि एक वर्ग के पास में पूरी संपत्ति है और दूसरा वर्ग ऐसे खुले नंगा ऐसे रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये यहाँ पे रिसमेन का मानना था। अगर हम जातिता के बारे में बात करें कि जातिता की विचारधारा क्या थी, जातिता का क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो भी इतिहासकार है पुरातत्व वेदा थे उसकी जानकारी के स्रोत नहीं मिलते हैं, तगोत्र संबंधों में जातिता के विषय में पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलते, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। अगर कोई बुक होता साहित्य के आधार पर कोई हमारा जानकारी का स्रोत होता तो हम जातिता को समझ सकते थे कि हड़प्पा के अंदर में जातिता व्यवस्था किस प्रकार का था। और वहीं पे जिम सेफर और लिशेनटाइन का यहाँ पे मानना था कि प्रारंभिक हड़प्पा समाज के अंदर में जातिता समूहों का अर्थ निकालने का प्रयास किया इन्होंने, इनका ये मानना था, ये मतलब जो जातिता समूह है उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया कि किस तरह का अर्थ रहता था, पर ये सफल नहीं रहे इनका, ये आगे इनमें बात करेंगे। तो सिरेमिक शिलाओं के बारे में बात करते हैं, सिरेमिक शैलियों के बारे में, सिरेमिक शैलियां होती क्या है, तो किस प्रकार से एक तरह का मतलब बनावट शैली है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सिरेमिक शैली होती क्या है, गूगल पे जाइए क्लिक कीजिए, गूगल पे सिरेमिक शैली के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सिरेमिक शैलियां होती किस प्रकार की है, ठीक है, और स्थूल जो मतलब जो मटके होते थे ना, चलो मैं बता देता हूँ गूगल क्या करोगे, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो करके बताना सिरेमिक शैली क्या होती है। सिरेमिक शैली के अंदर में क्या आता है कि जो भी मटके मिलते थे, मृत भांड मिलता था, उसके अंदर में सजावट किस प्रकार से की जा रही है, उसके अंदर में चित्रकारी किस प्रकार से की गई, तो इसी को हम सिरेमिक शैली के अंदर में डालते हैं। इसके माध्यम से सीमाओं का रेखांकन के लिए स्थूल संस्कृति माइक्रो कल्चर के बारे में प्रयोग किया गया, उसके लक्षणों का प्रयोग किया गया, उसका वहां पे सोचा गया माइक्रो कल्चर के हिसाब से सोचा गया किस तरीके से चीजें चल रही थी, क्या एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता था, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता था, कारखाने होते थे, क्या चीजें होता था, उसके हिसाब से यहाँ पे सोचने की कोशिश की जाती है। जिम सेफर और लिशेनटाइन के द्वारा पे यहाँ पे बात की जाती है, पर उनका जो ये प्रयोग था संदिग्ध था, डाउटफुल था, ये माना गया, ठीक है। सेरीन रत्नागर की अगर आप बात करोगे तो इनके अनुसार माना गया कि वंशानुक्रम, ठीक है, स्थानीय समुदाय कार्यक्रम के रूप में, कार्यात्मक रूप में विशेषाकृत समूह या भूधारक सत्ता के रूप में जीवित रहे होंगे। विशाल स्मारकी भवन जैसे कि पिरामिड मंदिर का निर्माण, महलों का निर्माण मिश्र में मेसोपोटामिया के समुदायों और संगोत्र श्रम का प्रयोग किया जाता होगा। यहाँ पे सेरीन रत्नागर का मानना था कि जो बड़े बड़े इमारतें, जो भवने हैं, जो पिरामिड मिले, मंदिर मिले, मेसोपोटामिया की बात करो, हड़प्पा की बात करो, मोहनजोदड़ो की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है मिस्र के अंदर में या बाकी जगहों पे इतने बड़े इमारत अकेला व्यक्ति तो बनाया नहीं होगा, इसने साथ मिलकर बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं श्रम, संगोत्रीय श्रम, ठीक है, संगोत्रीय श्रम मतलब क्या,
एक साथ लोग रहा करते होंगे, उनके समुदाय के लोग रहा करते होंगे और उसके द्वारा बनाया जाता होगा, उसके हिसाब से उस तरीके से उन्होंने बनाया होगा, इतने लेबर लगी होगी, ये यहाँ पे उसके हिसाब से मानते हैं कि इस हिसाब से वो डिफाइन कर रही है जातिता के बारे में कि किस तरह से चीजें रही होंगी, संगोत्रीय संबंध किस प्रकार करा होगा, इसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी। आगे आप बात करोगे केनायर के यहाँ पे बारे में, तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि कुम्हार अपने पूर्वजों के भांति एक स्थान पर रहने वाले वंशानुक्रम विशेषज्ञ रहे होंगे, जो कुम्हार लोग हुआ करते थे तो वो एक ही जगह पर रहकर वो चीजें बनाते होंगे, रहते होंगे और अपने उनके पूर्वज भी इसी तरीके से रहे होंगे, उसके कारण से वो भी इसी तरीके से रहते हैं, ये चीजें यहाँ पे देखी गई। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे कुम्हार के बारे में जिक्र क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या रहता है कि ज्यादातर जो चीजें मिली है ना वो कुम्हार से रिलेटेड था, जो भी मृतभांड मिला चीजें मिली वो कुम्हार से रिलेटेड था, कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन थे तो उसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता था ये मिट्टी के बर्तन या फिर लोग जो रहने वाले लोग थे उन्होंने बनाया या फिर किसी के द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया जाएगा तो कुम्हार के द्वारा बनाया गया, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाया जाता था। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड होता है ये वाला, आगे हम अगले वीडियो के अंदर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बट आप सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, दोनों चैनल को आपको लाइक करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा दोनों चैनल का, द इन अप जहाँ पे एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, नव इन्फो जहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिलने वाला है टाइम से, अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए तो गूगल ब्लॉगर पे डायरेक्टली जाना है, वहां से आप उसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो, क्वेरा पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा और उन सभी के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी हुए डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।